नजर। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं मनीष और आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑसम टैनिंग ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको प्रीव्यू में जो वीडियो दिखाया, तो फ्रेंड्स इसे HDR CC इफेक्ट बोलते हैं और इसमें डॉट पार्टिकल का यूज हुआ है। जो वीडियो मुझे प्रीव्यू के लिए भेजा गया था, मतलब एग्जाम्पल के लिए, उसमें एक लाइडिक्स भी था, उसमें फ्लिप फ्लैश इफेक्ट यूज था, जो देखने से ऐसा ही लग रहा है, बट मैंने कोशिश किया तो अभी मुझसे बना नहीं, तो शायद कर्व का प्रॉब्लम हो गया होगा। तो इसलिए मैंने इस वीडियो में आपको लाइडिक्स का एडिटिंग नहीं बताया है, बट इसका जो इफेक्ट है पूरा इफेक्ट मैं बता रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आए। ये मुझे आज इंस्टाग्राम पे भेजा गया था और उन्होंने बोला कि जल्दी से इसका इफेक्ट मुझे चाहिए, तो चलिए मैं एडिटिंग ही कर देता हूँ। प्रीसेट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो प्रीसेट में आपको फ़ोटो पे मैं इफेक्ट दे कर दूंगा, क्योंकि वीडियो पे इफेक्ट दूंगा तो जो प्रीमियम में आ जाता है तो जाएगा नहीं, आप लोग यूज़ नहीं कर पाओगे, तो इसलिए फ़ोटो पे मैं इफेक्ट दे दूंगा। आप लोग पूरी वीडियो को देखिएगा तो अच्छे से आप समझ पाइएगा, क्योंकि प्रीसेट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप जब पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको खुद से एडिटिंग करना आ जाएगा और इसमें और अच्छे अच्छे इफेक्ट आप यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको एडिटिंग बताता हूँ। सबसे पहले एलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। सुबह एलाइट मोशन एप्लीकेशन ओपन करने पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। प्लस के अंदर क्लिक कीजिए, यहाँ पर रेशियो वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं रेशियो 9:16 वाला रख लेता हूँ। रेजुलेशन 1080, फ्रेम रेट 60 या 30 भी रख सकते हैं। बैकग्राउंड ब्लैक करके क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर लेंगे। कुछ इस तरह का आएगा। यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, मीडियम देंगे, जो भी वीडियो पे एडिटिंग करना चाहते हैं या इमेज पे करना चाहते हैं उसे ले लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मुझे सेंड किया गया था, जिन्होंने वीडियो भेजा था, मतलब क्या बोलते हैं, जो ट्यूटोरियल के लिए बोले वहीं ये वीडियो भेजे और बोले कि इस पर मुझे बता दीजिए, तो मैं इसी पर बता रहा हूँ। तो जो 30 सेकेंड तक मैं इसे रख लेता हूँ, जो एक्स्ट्रा उसे कट कर दिए, ये 30 सेकेंड तक तो ब्लैक हो रहा है, तो थोड़ा सा और यहीं तक आ रहा है, ठीक है, पूरा 30 सेकेंड पर, तो जो एक्स्ट्रा उसे मैंने कट कर दिया, देख सकते हैं। अब इसी पर मैं इफेक्ट देकर आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप जानते हैं, कोई भी वीडियो हम लेते हैं तो फुल स्क्रीन में अगर ना हो तो इसे सेलेक्ट करके 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे फिल कंप्रेशन एरिया कर लेना है, तो पूरे स्क्रीन पे आ जाएगा। कोई भी शेप में होगा वो फुल स्क्रीन में आ जाएगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे इफेक्ट वाले ऑप्शन पे जाइएगा, ऐड इफेक्ट पे क्लिक कीजिए, या नीचे अदर का ऑप्शन आएगा इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर चैनल लैंप को सेलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग कर लीजिएगा। फर्स्ट यहाँ पे ये हो गया। इसका कलर मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। फर्स्ट में क्या कीजिएगा, आर है, आर रहने दीजिए सेकेंड में, और थर्ड में वाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं कलर इसका थोड़ा सा चेंज हो गया, और फर्स्ट वाले लास्ट वाले में ए है रहने दीजिएगा। और भी आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। मैंने जो इफेक्ट यूज़ किया था बस यही है। अब यहाँ से आपको बैक आ जाना है। वैसे फ़ोन थोड़ा सा लेग करने लगता है ये इफेक्ट यूज़ करने के बाद, और तो आप चाहे तो इसे बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स क्या कीजिएगा, इसी को सिलेक्ट कीजिए, इफेक्ट में जाइएगा, ऐड इफेक्ट पे फिर से क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आपको कलर एंड लाइट में मिल जाता है सैचुरेशन वाइब्रेंस का इफेक्ट, तो आपको इसे सिलेक्ट करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग कर लेना है, कुछ इस तरह से आएगा। इसे ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद सैचुरेशन थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, आप अपने वीडियो के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। तो मैं इसे 25.5 रख लेता हूँ, ठीक है, देख सकते हैं। वाइब्रेंस को सिलेक्ट करेंगे और इसे भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे, तो देख सकते कलर इसका बढ़ रहा है, तो 25 इसे भी रख लेते, 1.25, ठीक है, देख सकते हो गया। देन यहाँ पे सिचुएशन वाइब्रेंस पे क्लिक करेंगे, बैक चला जाएगा। बैक करने के बाद आपको कहना है स्टार्टिंग में आ देना, प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, शेप सेलेक्ट करना है, मतलब रेक्टेंगल जो बोलते हैं इसे, 3 डॉट पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे फिल कंप्रेशन कर लीजिए, पूरे स्क्रीन पे आ जाएगा, इसे लास्ट तक कर लीजिएगा, इस तरह से लास्ट तक कर लीजिएगा। अब इसमें आपको फ्रेंड्स क्या करना है, ये जो ब्लेंडिंग एंड ओपिसिटी वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे डिफरेंस का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके एक इफेक्ट आपको दिखेगा बीच वाला, इसे आपको सेलेक्ट करना है। कलर देख सकते हैं रेडिएट हो गया। अभी आप सोचेंगे कि ये कैसे कर दिया, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये मैं जैसे बताता हूँ, अभी कलर फिर से वापस चेंज हो जाएगा। यहाँ से बैक आ जाइएगा, बैक आने के बाद इफेक्ट में जाइएगा, ऐड इफेक्ट पे क्लिक कीजिए, ऊपर में सर्च कर लीजिए कॉपी, ठीक है, कॉपी बैकग्राउंड करके, अदर में ही ये भी इफेक्ट मिल जाता है, तो इसे आप चाहे तो अदर से जाकर ले सकते हैं या फिर ऐसे ही। इसमें आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं, कॉपी बैकग्राउंड पर क्लिक कीजिए, कुछ इस तरह से आ गया जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। देन आपको यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड्स, ऐड इफेक्ट पे क्लिक कर लेना है, फिर से क्लिक करने के बाद ब्लर में जाना है, गेसियन ब्लर को सिलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग कर लेना है। करने के बाद इसे ओपन कीजिएगा, ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। आपको इसे क्या करना है, बढ़ा देना है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, तो आप अपने वीडियो के अकॉर्डिंग इसे बढ़ा सकते हैं। तो एक बार में तो यहाँ पे इतना पे, तब तक के लिए हम इतना रहने देते 2000, ये थोड़ा और कम करके, कम करने पे तो गायब ही हो जा रहा है, तो पूरा कर देते हैं 2000, ठीक है, एक बार में इतना ही रहने देते, देखते हैं इसे चेंज करके कम करने की जरूरत होगी तो हम फिर कम कर लेंगे। गेसियन ब्लर पर क्लिक कीजिएगा, कम हो जाए, मतलब इस तरह से आ जाएगा। ऐड इफेक्ट पर फिर से क्लिक कीजिएगा,
क्लिक करने के बाद कलर लाइट में जाइए, यहाँ पे एक्सपोजर गामा करके एक इफेक्ट मिलेगा, इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। स्टैंडर्ड सेटिंग कीजिए, कुछ इस तरह से आ जाएगा। एक्सपोजर गामा को ओपन कीजिएगा, इस तरह से आएगा। यहाँ पे एक्सपोजर को आपको थोड़ा सा बढ़ा देना है, 0.- में इसे कीजिएगा, ठीक है। 0.70 कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 70 मैंने रखा था तो उतना ही कर लेते हैं, या 80 भी कर सकते हैं, ठीक है, 80 कर लेते हैं। एक्सपोजर गामा पर क्लिक कीजिए, बैक चला जाए गेसियन ब्लर पर जाकर, और इसे आप अपने अकॉर्डिंग कम कर लीजिएगा, हल्का सा कम कीजिएगा। तो मैंने इसे भी रखा था 0.800, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग इसे रख लेते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं सारा एडिटिंग तो यहाँ पे फिनिश हो चुका है। फिर भी अब थोड़ा सा इफेक्ट हम और भी देंगे। यहाँ से बैक आइएगा, स्टार्टिंग में आकर प्लस के में क्लिक कीजिएगा, रेक्टेंगल सेलेक्ट कीजिएगा, इसका कलर यहाँ पे व्हाइट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ से बैक आइएगा, 3 डॉट पे ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ पे फिल कंप्रेशनर कर लीजिए, कुछ इस तरह से आएगा। इसके लास्ट में अगर ये वाले ऑप्शन टैप कीजिए, लास्ट तक आ गया, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, ब्लेंडिंग एंड ऑपेसिटी पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है, कंट्रेस्ट का ऑप्शन देख सकते, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने बाद यहाँ पे ओवरले कर दीजिएगा, देख सकते कलर कुछ इस तरह से आ गया, ये तो काफ़ी ज़्यादा ग्लो हो गया। फिर भी अगर आप चाहें तो आप क्या कीजिएगा, इसका एक और डुप्लीकेट कर लीजिएगा, ठीक है। ऊपर वाले डुप्लीकेट वाले को सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे तो सारा चीज़ किया हुआ है। ब्लेंडिंग में जाइएगा और इसे कम करके आप देख लीजिएगा कितना आपको यहाँ पे कलर देना है, कितना ग्लो कलर आप देना चाहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग रख लीजिएगा। तो अपने अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। यहाँ पे इसका कलर आप जो भी चेंज करेंगे उसी का इफेक्ट यहाँ पे देखने को आपको मिलता है, ठीक है, उसी तरह से इफेक्ट मिल जाता है, ठीक है, हल्का सा। वैसे मैंने व्हाइट रखा था क्योंकि ऊपर से लाइटिंग टाइप का ग्लो मैंने यहाँ पे दिया। तो इस इफेक्ट को बोलते हैं HDR CC इफेक्ट। अब दूसरी चीज़, वीडियो पे एक पार्टिकल था, डॉट पार्टिकल, तो उसे हम यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स इसे HDR CC में और भी अलग अलग के इफेक्ट आते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं कंटिन्यू कुछ दिन तक इसी पे वीडियो बनाता हूँ, 10-15 वीडियो इसी पे दे देता हूँ, आप लोग भी क्या याद रखोगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि वीडियो पे व्यूज आएगा तो मैं कंटिन्यू वीडियो बनाऊंगा, नहीं आएगा तो रोक दूंगा। वैसे इस टाइप की वीडियो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करें, मुझे उम्मीद है आप लोग सपोर्ट करेंगे। अब वीडियो को सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करने इफेक्ट में जाइएगा, एड इफेक्ट पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको प्रोसीजर में चले जाना है। सिंपल स्टार फिल करके एक इफेक्ट मिलेगा, स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते डॉट पार्टिकल आपको दिखना स्टार्ट हो गया। सिंपल स्टार फिल पर क्लिक कीजिएगा, कुछ इस तरह से आएगा। ऊपर की तरफ स्क्रॉल कीजिएगा, साइज को क्लिक करके इसका साइज आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिएगा, जितना बड़ा आप रखना चाहे रख लीजिएगा। यहाँ पे फेदर भी मिलता है, फेदर आप बढ़ा लीजिएगा, इतना आप इस तरह से फेदर बढ़ा सकते हैं, और इसका जो अमाउंट है उसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो कम कीजिएगा तो अमाउंट थोड़ा कम रहेगा, तो देखने में सही लगेगा। इसके बाद साइज भी एडजस्ट कर लीजिएगा, तो इस तरह से मतलब आपको जितना पे सही लगे उतना रख लीजिएगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। स्केल वगैरह भी आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं, तो देख सकते ऊपर करना हो नीचे करना हो इस तरह से इफेक्ट दे सकते हैं। दूसरी चीज़, आप ये देखे होंगे लेफ्ट से राइट कर रहा था, मतलब मुझे जो भेजा गया था उसमें लेफ्ट राइट कर रहा था, तो वाई को सेलेक्ट करते हैं, स्टार्टिंग में की लगा लेंगे, लास्ट में जाएंगे यहाँ पे की लगाएंगे। की लगाने करने के बाद इसे हम बढ़ा देंगे 200-300। तो अभी ये मूव नहीं कर रहा है, रीज़न है कि वीडियो में यहाँ पे लेग करने लगता है, तो अभी प्ले करके देखता हूँ, ठीक। ये अभी यहाँ से नीचे से ऊपर जा रहा है, मतलब ऊपर से नीचे जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में आकर और जेड वाले को सिलेक्ट करेंगे, की लगा हुआ है, लास्ट में जाएंगे। लास्ट में जाने के बाद इसे हम इस साइड में बढ़ा देंगे थोड़ा सा, तो अब ये देखिएगा लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा, थोड़ा सा नीचे भी जाएगा, ठीक है। तो देख सकते लेफ्ट से राइट जा रहा है, तो अब जाते जितना फास्ट जाए तो उतना इसे आगे कर दीजिए। मैं यहाँ पे 1400 पार कर दिया हूँ, अब देखिए कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है। इस तरह से लेफ्ट से राइट यहाँ पे हो रहा है। XY का यूज़ करके हैं, इसका पार्टिकल का यूज़ होता है, वीडियो पे इफेक्ट देने में परेशानी होती है, इसकी वजह से मुझे अभी पता नहीं चल रहा है कि इधर से किधर जाएगा, तो आप उसे एडजस्ट कर लीजिएगा। देन यहाँ पे ऊपर एरो देख सकते हैं, इस पर क्लिक कीजिए, क्लिक करने बाद एक्सपोर्ट पर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आपके फोन में सेव हो जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई, इसका वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इसी तरह की और भी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।